दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ कल धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय बताओ युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया अब संजय धृतराष्ट्र की बात का उत्तर देते हैं सबसे पहले यहां एक बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है बार बार मैं इस बात को रेखांकित करूंगा कि संजय जो बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं बहुत गहरी गहरी बात वो उस बीच में रख रहे हैं गहरी बात और गहरी बातों में व्यंग्यार्थ बहुत हैं अर्थात ऐसे ऐसे शब्द हैं जो जानबूझकर संजय जिनका उपयोग कर रहे हैं धृतराष्ट्र की मनस्थिति जानने के लिए देखते हैं वे कि धृतराष्ट्र मेरे इन शब्दों पर क्या कोई आपत्ति करते हैं अथवा उनको सहज रूप से सुनकर आगे बढ़ जाते हैं गीता में इतनी गहराई है इतनी गहराई है कि उसकी थाह पाना बहुत कठिन है फिर भी जहाँ जो जितनी थाह पा रहा है उतना उसको अभिव्यक्त कर रहा है सबसे पहले इसका सीधा सीधा अर्थ हम सुनते हैं उस समय व्यू से खड़ी हुई कौन से व्यू से वज्र व्यू से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला संजय बता रहे हैं कि आगे आप पूछ रहे हैं क्या हुआ तो मैं बताता हूँ कि वज्र व्यू से खड़ी हुई उस पांडव सेना को देखा दुर्योधन ने और उसके बाद वह द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला बस इतनी बात है लेकिन इतनी बात में बहुत सारी बातें इतनी गहरी हैं इतनी रहस्यात्मक हैं इतनी गूढ़ हैं कि उन पर आज चर्चा होगी सबसे पहले है शब्द तदा अर्थात जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए इकट्ठी हैं उस स्थान की बात की गई है कहते पांडवों की वज्र व्यू से खड़ी सेना को देखने का क्या तात्पर्य हुआ दुर्योधन ने देखा कि वज्र व्यू में खड़ी है पांडवों की सेना अब वह सेना इतनी सुव्यवस्थित है कि जिसमें कहीं भी दो भाग नहीं है दो फाड़ नहीं है दो मत नहीं है कम थी सेना पांडवों के कौरवों के पास तो बड़ी विशाल सेना थी नारायणी सेना जिसके साथ हो उसकी विशाल होने की कल्पना कैसे की जा सकती है बताइए नारायणी सेना उसके बाद अन्य अनेक मित्र राष्ट्र दुर्योधन ने तो न जाने किस किस को अपने वश में कर लिया था जिस समय एक खुला निमंत्रण दे दिया गया था सभी राजाओं को कि आप जिसके पक्ष में जाना चाहते हैं जाएं अब पांडवों के पक्ष में आने वाले जो राजा थे उनको मार्ग में ही दुर्योधन ने बहुत अच्छे से ये समझा दिया कि देखो भाई तुम जा तो रहे हो पांडवों की तरफ से लड़ने लेकिन वहाँ तुम्हें जाकर प्राप्ति कुछ नहीं होगी कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि कृष्ण की नारायणी सेना यादवों की नारायणी सेना हमारे पास है अन्य सम्मिलित राष्ट्रों की सेनाएं हमारे पास हैं पांडवों के पास है ही क्या बस गिनी चुनी सेना है नीचो नहीं और एक वो मांग कर ले गए मुरलीधर को जिसका काम बांसुरी बजाना है और उसने भी कसम उठा ली कि मैं युद्ध में किसी प्रकार का कोई शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा यदि तुम कृष्ण के भरोसे जा रहे हो तो भूल जाओ वो वहां पर शस्त्र भी नहीं उठाएगा अब तुम मरने जा रहे हो क्या पांडवों की सेना में अरे कौरवों के साथ आओ इनकी विजय अविश्यम भावी है सारे ज्योतिषियों ने कह दिया है कि जीतेंगे तो कौरव ही जीतेंगे अवश्यम भावी इनकी विजय और इसके बाद भी तुम क्यों मृत्यु के मुख में जा रहे हो हमारे साथ मिलो विजयी भव धन संपत्ति के स्वामी बनोगे तुम्हारी प्रजा सुख समृद्ध होगी तुम्हारी सेना मजबूत होगी हमारे साथ रहोगे तो और इस प्रकार से दुर्योधन ने न जाने कितने राजाओं को अपने पक्ष में मिला लिया यह उसकी कूटनीति थी पांडवों ने किसी को अपनी तरफ मिलाने के लिए कोई आग्रह नहीं किया न्योत्या भेज दिया कि देखो भैया धर्म के पक्ष से हम लड़ रहे हैं तुम्हें आना हो तो आ जाओ अब यहाँ एक बात गहराई से समझ लेना कि जो दुष्ट होते हैं ना वे अधिकतर दूसरों के पक्ष के लोगों को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि उनके पक्ष में जो सम्मिलित होने जा रहा है उसको तोड़कर अपने पास ले आओ और जो साधु पुरुष होते हैं सज्जन होते हैं सरल व्यक्ति होते हैं वे कहते हैं नहीं किसी को तोड़ना नहीं है कोई स्वेच्छा से हमारे पास आ रहा है तो आ जाओ अब पांडव कोई राजनीति नहीं खेलते थे कि वो अपने पक्ष में मिलाने के लिए भाग दौड़ करें और यदि उन्हें राजनीति आती पांडवों को कोई कुटिल नीति आती यदि कोई कुचक्र उनको आते होते तो वे भले आदमी कृष्ण को न मांगते वे कहते कि नारायणी सेना मिल गई अब कृष्ण तुम कौन और हम कौन लेकिन उनके पास वो चतुराई वाली बुद्धि नहीं थी जो दुष्टता लिए होती है कुटिलता लिए होती है नहीं थी वो लेकिन दुर्योधन के पास वह सब कुछ था अब दुर्योधन यहां देख रहा है दृष्टवा पांडवा नीकम व्यूढ़ पांडवों की उस वज्र व्यूह से सजी हुई सेना को देखा थोड़ा घबरा भी गया घबरा इसलिए गया कि इतनी सुव्यवस्थित सेना और उसका सुव्यवस्थित होना इसलिए बहुत महत्व तो रखता है क्योंकि उस पक्ष में धर्म था और धर्म की धुरी भगवान कृष्ण थे तो कृष्ण जिसके पक्ष में खड़े हों सिर्फ खड़ा होना ही काफी है उन्होंने कुछ किया थोड़ी ना काम भी क्या लिया ड्राइवर का सारथी का रथ हांकने वाले का सोच सकते हैं आप नहीं सोच सकते कोई नहीं सोच सकता कि जो सम्राटों का भी सम्राट है वह कह रहा है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा भैया सारथी तुम्हारा रथ हाँकूँगा मैं और रथ हाँकने वाले को कोई बहुत महत्व थो थोड़ी ना दिया जाता है ठीक है हाँक रहा है तो हाँ रहा है लेकिन चयन भी क्या किया उन्होंने सारथी होने का और उसके बाद कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाएंगे लेकिन उनकी उपस्थिति है तो कृष्ण की उपस्थिति जहाँ हो वहाँ पर तो व्यवस्था करनी नहीं पड़ती व्यवस्था स्वयं को स्वयं आकार दे देती है और ऐसी वज्र व्यू वाली इस सेना को देखकर दुर्योधन का दिल थोड़ा भय से धड़क गया घबरा गया घबराहट उसने व्यक्त नहीं की देखा द्रोणाचार्य के पास गया है वो और संजय इस समय क्या कह रहे हैं वहाँ पर कि राजा दुर्योधन राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया अब धृतराष्ट्र सुन रहा है इस बात को कि संजय ने कहा राजा दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने कहीं कोई किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की कहना चाहिए था उसे कि संजय राजा तो मैं हूं राजा धृतराष्ट्र तुम दुर्योधन को राजा क्यों कह रहे हो दुर्योधन तो भी युवराज है हालांकि परंपरा की दृष्टि से युवराज ही राजा बनता है लेकिन राजा वह बना नहीं है अभी अभी युवराज ही है उसके पास वे सभी अधिकार थे जो एक राजा के पास होते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा था इतना अंधा था कि उसे और कुछ दिखलाई ही नहीं देता था कुछ भी अब यहाँ पर वह कह रहा है संजय देखने के लिए देखने के लिए कि धृत के ऊपर क्या बीतती है तो संजय कहता है कि राजा दुर्योधन और धृतराष्ट्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती कि वह कहे टोके रोके कि संजय तुम क्या कह रहे हो क्या तुम्हें किसी के पद का भी कोई बोध नहीं अब मानकर चलिए उप प्रधानमंत्री है उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ और कहीं पर कोई संबोधित करे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए हैं तो बड़ी आपत्ति की बात है भाई अभी वे उप प्रधानमंत्री हैं निश्चित रूप से किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के न होने पर उनको ही प्रधानमंत्री बनना है लेकिन जब तक वे प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक उनको उप प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा दुर्योधन अभी युवराज है तो उसे राजा कहकर संजय तुम क्यों संबोधित कर रहे हो इस प्रकार की कोई आपत्ति धृतराष्ट्र ने नहीं व्यक्त की जो ये बता रहा है स्पष्ट कर रहा है यह शब्द के धृतराष्ट्र उसे राजा ही स्वीकार करता है और चाहता है सभी उसे राजा कहें अर्थात जो गरिमा होती है पदों की उनको भी भंग किया जा रहा है और धृतराष्ट्र कुछ नहीं कहता तो ये संजय का बहुत गहरा व्यंग्य है यहाँ पर दुर्योधन को राजा दुर्योधन कहना जांचने के लिए परख रहा है कि क्या चल रहा है इस समय धृतराष्ट्र के मन में अब कह रहे हैं वो कि आचार्य के पास गया दुर्योधन अब आचार्य के पास क्यों गया भाई जाना तो भीष्म पितामह के पास था क्योंकि भीष्म पितामह अभी सेनापति हैं अभी सेनापति बदला नहीं गया कोई अभी भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई है सेनापति के पद पर अभी भी वही हैं, किंतु भीष्म के बाद जो सेनापति बनेगा वह द्रोण ही बनेगा ये बात मर्यादा के रूप में भी और वैसे भी बिल्कुल स्पष्ट थी सभी जानते थे पता होता है ना कि कौन किस पद पर अब आने वाला है और दुर्योधन तो ही जानता ही था इस बात को तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास नहीं जा रहा क्यों नहीं जा रहा उसके अनेक कारण हैं पहला कारण तो यह है कि वह द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करना चाहता है और वो द्वेष कैसे पैदा कर रहा है द्रोणाचार्य के निकट जाकर उनको सम्मान देकर उनको महत्व देकर क्योंकि वह जानता है कि अगला सेनापति यदि कोई बनेगा तो वो द्रोणाचार्य ही बनेंगे क्योंकि वही बनाएगा उनको और दूसरा उनके पास इसलिए भी जाना पहले बनता है क्योंकि पारंपरिक दृष्टि से वे गुरु हैं और गुरु के पास उसको जाना भी चाहिए और वह जा भी रहा है फिर तीसरी बात कि वह जानता है कि यदि भीष्म के पास वह नहीं भी जाएगा तो भीष्म बुरा मानने से तो रहे क्योंकि भीष्म के साथ उसका रक्त संबंध है खून का रिश्ता है और भीष्म ने यह प्रतिज्ञा भी उठा रखी है कसम भी ले रखी है कि वे कौरवों के विरुद्ध नहीं जाएंगे और प्रत्येक स्थिति में वह भीष्म को अपने पक्ष में कर सकता है किया हुआ है लेकिन द्रोणाचार्य वह जानता है कि द्रोणाचार्य का हृदय धड़कता तो पांडवों के लिए ही है अनेक बार उसने इस बात को रेखांकित किया है और कहा भी है कि गुरुदेव आपका पक्ष पांडवों की ओर अधिक है और इसलिए वह उसकी पूरी भूमिका निभा रहा है कि जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए इस समय विरोध भाव का भाव आ जाए द्वेष का भाव आ जाए क्योंकि वह नहीं चाहता कि द्रोणाचार्य पांडवों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखें कोई कोमल कोना रखें और जिसके चलते वे ठीक से युद्ध न कर पाए और न युद्ध स्वयं कर पाए बल्कि सेना पर भी उसका प्रभाव पड़े इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास जाता है और वहां जाकर पांडवों के लिए वह कुछ कहेगा क्या कहेगा ये तो अब अगले श्लोक से पता लगेगा लेकिन उससे पहले ये जो बात अभी यहाँ पर उठकर आए आई कि राजा दुर्योधन यहाँ से स्थितियों को बहुत गंभीरता से समझना है धृतराष्ट्र की बिल्कुल सहमति थी इस युद्ध में है वो मूक सहमति क्यों ना हो पूरी सहमति थी क्योंकि यह पूरा का पूरा युद्ध दुर्योधन की इच्छा से लड़ा जा रहा है और किसी की इच्छा नहीं थी इस युद्ध के होने में अनेक भक्तगण भगवान कृष्ण को दोषी देते हैं बहुत दोष देते हैं वे क्या कहते हैं कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था उन्होंने नहीं चाहा वे चाहते थे कि युद्ध हो इसलिए युद्ध हुआ ये बात तो बाद की है इस पर फिर कभी बात होगी लेकिन आज मूल बात यह है, है कि राजा की इच्छा से ही युद्ध होता है जब तक राजा की इच्छा ना हो तब तक युद्ध नहीं होता और संजय ने जो बात कही कि राजा दुर्योधन अर्थात कि धृतराष्ट्र तो तो राजा है ही नहीं वो तो नाम मात्र का राजा है कठपुतली राजा असली राजा तो दुर्योधन ही है क्योंकि ये पूरा युद्ध जो हो रहा है दुर्योधन की इच्छा से हो रहा है तो राजा तो वही हुआ चाहे विधिवत उसका राज्यभिषेक ना हुआ हो लेकिन राजा वही है क्योंकि यदि राजा तुम हो धृतराष्ट्र और तुम कहो कि ये युद्ध नहीं होगा तो युद्ध नहीं हो सकता किसी मूल्य पर युद्ध नहीं हो सकता युद्ध होते हैं राजा के आदेश पर राजा की इच्छा पर और यहाँ पर दुर्योधन की इच्छा सर्वोपरि दिखाई दे रही है पूरा युद्ध दुर्योधन की इच्छा पर टिका है जो लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं कि ये युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ उसकी व्याख्या मैंने इससे प्रथम श्लोक में ही कर दी कि द्रौपदी इस युद्ध का कारण नहीं थी पूरा स्पष्ट बता दिया क्यों नहीं थी अब भगवान कृष्ण भी इस युद्ध के कारण नहीं थे जो लोग कहते हैं कि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे उन्होंने युद्ध रोकने के तो सारे प्रयास किए शांति दूत बनकर गए शांति प्रस्ताव गया और शांति प्रस्ताव क्या गया कि सिर्फ पांच गांव दे दो पांडवों को अब आप सोचिए इतना बड़ा साम्राज्य है उतने बड़े साम्राज्य में पांडव कितने संतुष्ट हैं कह रहे हैं हमें सिर्फ पांच गांव दे दो मत दो आधा साम्राज्य मत मानो हमें अपने परिवार का हिस्सा हम युद्ध नहीं चाहते बस पांच गांव दे तो और उस समय दुर्योधन क्या कहता है कि मैं तीखी सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा अब बता दीजिए ना युद्ध का कारण कौन हुआ वो पांच गांव मांग रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए और वह कह रहा है दुर्योधन कि मैं सुई की नौक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा तो युद्ध की सारी की सारी भूमिका पूरा का पूरा उसकी पटकथा सब कुछ दुर्योधन की इच्छा पर लिखी गई दुर्योधन ने कभी कोई संधि प्रस्ताव भेजा क्या पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव गया दुर्योधन की तरफ से कोई गया क्या एक भी प्रस्ताव ऐसा गया कि दुर्योधन ने कहा हो कि अच्छा चलो हम युद्ध नहीं करते युद्ध रोकते हैं कहीं बैठकर समझौता करते हैं चलो बैठो किसी भी बिंदु पर आकर हम एक संधि करते हैं वो तो हट से भरा था अहंकार से भरा था क्योंकि वह चाहता था पांडवों को समाप्त करना और उसका अहंकार इतना कि नारायणी सेना मेरे पास है इतनी विशाल सेना थी उसके पास कि उसके सम्मुख पांडवों की सेना कहीं गणना नहीं कर सकती थी और यही कारण था कि जितने ज्योतिषी थे कोई ज्योतिषियों ने भविष्य देखकर थोड़ी ना कहा था उनको कहाँ भविष्य दिखाई दे रहा है ज्योतिषियों को उन्होंने तो सीधा सीधा गणित बिठाया कि भैया कौरवों के पास इन दुर्योधन के पास देखो इनके पास तो अनंत सागर के समान अथा सागर के समान सेना है इतनी बड़ी सेना पांडवों ने कहाँ टिकना है क्षण भर में मारे जाएंगे तो चलो सब मिलकर यही घोषणा करते हैं कि दुर्योधन ही जीतेगा सब ने नारे लगाए जीतेगा भाई जीतेगा दुर्योधन ही जीतेगा सब जानते थे कि इससे प्रसन्न होकर दुर्योधन उन्हें पता नहीं कितना पुरस्कार देगा और दिया भी ज्योतिषियों को बहुत पुरस्कार कि इतने नारेबाजी ज्योतिषियों ने की एक मनोबल बढ़ाया उनकी सेना का चारों तरफ कितने कितने राजा जो पांडवों की तरफ आ रहे थे छोड़ के सब चले गए दुर्योधन की तरफ क्यों क्योंकि ज्योतिषियों ने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर दी सभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी सभी ने देखा कि अगर हम कहेंगे कि पांडव जीतेंगे तो दुर्योधन के हाथों तो मारे जाएंगे एक तो वो भेज देगा दुर्योधन किसी को भी कि मारो सबसे पहले इस ज्योतिषी को इसे पहुंचाओ यमराज के पास जो कह रहे पांडव जीतेंगे और पांडवों ने उसे कुछ देना नहीं था इस घोषणा के लिए और दुर्योधन ने तो हर घोषणा करने वाले ज्योतिषी को मालामाल कर देना था और किया भी अब ये जो सारी की सारी बात है कि युद्ध का मूल कारण कौन है जब तक इस बात को न जाना जाएगा तब तक ये जो गीता की पूरी पृष्ठभूमि है ना ये नहीं समझी जा सकती यदि गीता को सुनते समय अर्जुन के प्रति कृष्ण के प्रति या अन्य पांडवों के प्रति यदि भीतर घृणा का भाव है असहमति का भाव है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई निम्नतर भाव है तो गीता फिर समझ में नहीं आ सकती उतरेगी ही नहीं भीतर क्योंकि जिनके साथ भगवान कृष्ण हैं उनके साथ तो धर्म है इसलिए उनके प्रति श्रद्धा का भाव तो स्वतः ही जन्म ले लेना चाहिए अब दुर्योधन क्या कहने वाला है इसको हम बहुत गहराई के साथ समझेंगे पूरी गहराइयाँ ही लेकर चलनी हैं क्योंकि ये गीता जो है ना गीता की यात्रा पंडुब्बी में की जा सकती है समझ लो आप भी कोई नाव नहीं है कि नाव से तो ऊपर ऊपर की सैर होती है गीता को देखने के लिए तो पनडुब्बी बनना पड़ेगा पानी के अंदर चलना है गहरे गोते में लगाने हैं बहुत बहुत गहराई में चलना है तब कुछ दिखाई देना आरंभ होगा तो अब दुर्योधन के मन में उसकी वाणी के माध्यम से झांकेंगे जैसे आज धरतराष्ट्र के मन में कुछ कुछ झांका कि राजा दुर्योधन कहने के बाद भी महाराज चुपचाप बैठे हैं कुछ नहीं बोल रहे अब् कल दुर्योधन बोले दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्